देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। शमशानों में चिता जलाने के लिए वेटिंग में लाना पड़ रहा है, तो कब्रिस्तानों में भी कोविड 19 के लिए दी गई जगह भरने लगी है। दिल्ली में कोरोना ने अब खतरनाक रूप ले लिया है और मौत के आंकड़े हर दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि शवों को जलाने के लिए 3 से 4 घंटे की वेटिंग चल रही है। सर, हम 11:30 बजे बॉडी लेके आए थे यहाँ पे और हमें वेटिंग इतने 2 बजे की मिली है सर। फिर 2 बजे की वेटिंग चार्ज मिला, मतलब कि उसके बाद ही और हमारे को इतना टाइम, और घर वाले भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, सब कुछ हमें करना पड़ता है। तो हमारा तो कोई इलाज ही नहीं है 1% भी हॉस्पिटल में भी। अगर हम यहाँ से घर पे भी जाएंगे तो उसके बाद भी हम, अगर हमारे को डर है तो फिर घर वालों के साथ भी होगा, हमारे साथ है, तो हमारा कुछ इलाज नहीं है सर। अस्पताल के कर्मचारी जो यहाँ बॉडी लेकर पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि शमशान में पहले से ही बॉडी रखी होती है, जिसके चलते उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कम से कम हम यहाँ पे अगर आते भी है तो 3-4 बॉडी मतलब पहले ही रखी रहती है मतलब यहाँ पे। दिल्ली के सबसे बड़े निगम बोध शमशान घाट पर चिताओं को जलाने के लिए 104 प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें से करीब 50 को कोविड के लिए रिजर्व किया गया है। कोविड से मरने वालों को CNG प्लेटफॉर्म दिए गए हैं। नवंबर से बढ़ा है मेन, 1 नवंबर के बाद में यहाँ पर 15 से 20 बॉडी आ रही हैं और 3 से 4 दिन से तो और ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ CNG में थोड़ी वेटिंग होती है, अगर उनकी इच्छा है हम तो CNG में ही करेंगे। वैसे तो कोरोना का अधिक से अधिक संस्कार ये बोला गया है कि आप CNG में ही कराएं, पर लेकिन एक जो फर्नेस है उसमें एक बॉडी जब लगाएंगे तो वो 2 घंटे में खाली होती है, तो पूरे दिन में हम उस पर 10 संस्कार करवा सकते हैं। पिछले 9 दिनों में निगम बोध घाट पर कुल 167 कोविड शवों का अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 8,000 के पार चला गया है। ज्यादातर लोग दाग देने के लिए PPE किट इस्तेमाल नहीं कर रहे, वार्ड बॉय लोगों ने साफ तौर पर यह बताया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह से लोग कोरोना को अभी भी बहुत हल्के में ले रहे हैं, और यही वजह है कि अब जो मौतों का आंकड़ा है वो वक्त के साथ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि अकेले 20-25 लाशें रोज पहुंच रही हैं, वेटिंग में है लाशें, और यही वजह है कि 3 से 4 घंटे का वक्त लग रहा है लाशों को जलाए जाने के लिए। सिर्फ शमशान ही नहीं, कब्रिस्तानों का भी यही हाल है। दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में जदीद अहले इस्लाम में भी कोविड की लाशों को दफनाने के लिए दी गई जगह अब भरने लगी है। ऐसा है, कैपेसिटी तो हमारे यहाँ कब्रिस्तान में बहुत है, लेकिन जो कोविड के लिए जो जगह हमें जो दी गई है वो जगह अब जिस हिसाब से जैसे मैयतों की रफ्तार अब बढ़ी है दोबारा से, वैसे बीच में नॉर्मल हो गई थी लेकिन 1 महीने से तकरीबन दोबारा से कोरोना का जो रफ्तार पकड़ी है, डेली 3-4 डेड बॉडी हमारे पास आ रही है। दिल्ली में एक एक दिन में कोरोना से मौत का रिकॉर्ड भी टूट रहा है। दिल्ली में कोरोना से हर रोज औसतन 24 मौतें हो रही हैं। रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक।